नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ हूं मैं ज्योति वर्मा। सिटी सेंटर 2017 में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुनीम से 10 लाख रुपए की लूट का हुआ खुलासा। दो आरोपी पकड़े। पकड़े गए आरोपियों में राहुल इंदौरिया और बीरू जाट शामिल हैं। 2017 में एक 10 लाख की लूट हुई थी। एक कंपनी थी, कंपनी के मैनेजर लोग पैसा निकाल के लेके जा रहे थे, उसका बैग छीन के गए थे, उसमें 10 लाख रुपए लेके गए थे। लूट हुई थी, थाना यूनिवर्सिटी का मामला है, जिसपे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान ESP महोदय क्राइम साहब मुख्य द्वारा सूचना मिली के उक्त आरोपियों की पूछताछ घटना घटित की गई है। उस आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और ESP क्राइम द्वारा मुझे बताया गया, तो उस पर मैंने आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा घटना स्वीकार किया था। उनके द्वारा मैंने इसमें बीरू राणा और राहुल इंदौलिया सोनू नारू द्वारा घटना करना बताए थे, जिसमें BCI के आह्वान और SBB के निर्देश पर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में मधुबनी के वकीलों ने जुलूस निकाला। आपको बता दें कि वकीलों की प्रमुख मांगों में देश के सभी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघों का भवन निर्माण, वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, शौचालय की समुचित व्यवस्था तथा कैंटीन के साथ साथ मुंह वकीलों की बैठने की व्यवस्था की जाए। हम लोग आज स्ट्राइक पर हैं, बताइए क्या मांग है? 603 मांग है आपका। कुछ बड़े मांग है, जिसमें महिला अधिवक्ता थाना को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, हम लोग बीमा होना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि जहां तहां वकीलों को मार दिया जाता है, उनके परिवार सड़क पे आ जाते हैं, जिसको देखते हुए हम लोग का मांग है कि बीमा कराना चाहिए। और क्या मुख्य मांग क्या है? और बिल्डिंग सब बनाना चाहिए, सबसे पहले के बैठने के लिए जगह नहीं है। हम चाहेंगे महिला अधिवक्ताओं के हमारे लिए जगह बनाया जाए। बंगाल से बड़ी खबर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर से है, जहां एक प्लास्टिक बनाने के कारखाने में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है, दूर दूर तक धुएं का अंबार लगा है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई। गंगापुर सिटी के उपखंड बजीरपुर क्षेत्र के मठ गांव में एक किसान ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर की अपने जीवन लीला समाप्त। आत्महत्या करने वाला अमर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी जाटव उम्र 42 निवासी मठ गांव वालों का कहना है कि आर्थिक तंगी से आकर इसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। भरतपुर के कामा से बड़ी खबर। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कामा को दिया ज्ञापन। कोर्ट परिसर से उपखंड का अधिकारी कामा कार्यालय तक जुलूस के रूप में आए एकत्रित होकर। उसी क्रम में हमारे कामा बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन जरिए उपखंड अधिकारी कामा के माननीय नरेंद्र मोदी के नाम सौंप रहे हैं, जिसमें 10 मांगें अधिवक्तागण ने रखी हुई हैं। अधिवक्ता उनके आश्रितों को 20 लाख रुपये तक का बीमा, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं एवं इस हेतु अधिवक्ताओं को विशेष कार्ड दिया जाए। युवा जो अधिवक्ता हैं जिनकी 5 साल तक की प्रैक्टिस है, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 वर्ष तक के लिए 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाए। वृद्ध और दिव्यांग जो अधिवक्ता हैं उनके परिवार वालों को पेंशन की उचित व्यवस्था की जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लोकसभा द्वारा पारित किया जाए। देश के सभी अभिभाषक संघों को भवन, बैठने की उचित व्यवस्था, पुस्तकालय, शौचालय आदि उपलब्ध कराए जाएँ। अधिवक्ताओं को ब्याज मुक्त गृह ऋण, पुस्तकालय। लगता गांव जंडियाला गुरु में दिन दाड़े बेखौफ चोरों ने सहकारी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ATM के बाहर बैठे गार्ड ने ATM के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, जिसकी वजह से लूट करने वाले अपने आप को बचाने की जदोजहद करने लगे और गोली चलाकर शीशे के दरवाजे को तोड़कर वहां से फरार हो गए।